नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, उसकी क्या क्या लक्षण होती है और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, ये क्यों होता है और इसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऐसे भी कहते हैं, यानी कि जो शोल्डर ज्वाइंट जो होता है वहां जो कैप्सूल बनी रहती है, शोल्डर ज्वाइंट का जो कवरिंग रहता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, तो उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है और वो चिपक जाती है आपके ज्वाइंट से तो उसे हम एडहेसिव कहते हैं, तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसे हम बोलते हैं। तो ये समस्या कब आपको कब ज्यादा होती है? जब आपके लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट यानी कि क्या, कि आपके बोन्स को एक दूसरे को बनाए रखने में जो एक डोरी होती है जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, तो ये लिगामेंट जो है वो अगर टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, मोटे हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो कैप्सुलाइटिस होता है तो आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है उसे हिलने डुलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब आप उसकी जो थोड़ी सी जो भी मूवमेंट है आप करते हैं उस ज्वाइंट की, तो आपके कंधे में बहुत ज्यादा तेज दर्द आपको महसूस होता है, तो उसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो उसमें कभी कभी उस हिस्से में क्या होता है कि फ्लूइड भी जमा हो जाता है, तो उसके वजह से जो तकलीफें होती है, जो परेशानियां होती है, तो उसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि अगर आपकी बढ़ती उम्र जो 40 साल के बाद है आपका आयु, तो उस वक्त ये जो आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें जो है वो बहुत कॉमन हो सकती है। क्यों होता है कि आपके बढ़ती उम्र में कैल्शियम का जो सोर्स है वो कम हो जाता है और उसके वजह से आपको ज्वाइंट्स की जो भी तकलीफ है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके वजह से ही आपको कैप्सुलाइटिस या फिर लिगामेंट टियर की तकलीफें होती है, या फिर आप कभी गिर जाते हो शोल्डर पर, उसके वजह से चोट लगती है तो उसके वजह से भी लिगामेंट टियर हो जाते हैं, तो आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें जो है वो होती है। कुछ परेशानियों के वजह से, शोल्डर पेन के वजह से आप अगर सर्जरी करते हो या फिर आप गिर जाते हो और उसके बाद उधर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर डिसलोकेशन हो जाता है, तो उस सर्जरी के वक्त आपके लिगामेंट टियर वगैरह हो जाते हैं, तो आपको उस वक्त भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा होती है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये तकलीफें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उस वक्त कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और खासकर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस अगर है या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस की तकलीफें हैं या फिर स्ट्रोक की हिस्ट्री है या फिर पार्किंसंस जैसी बीमारियां है, तो उन लोगों में ये फ्रोजन शोल्डर होने की तकलीफें जो है, खतरा जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो ये जो फ्रोजन शोल्डर के लक्षण है, मेन जो लक्षण है वो है दर्द। आप जब शोल्डर को या फिर उस ज्वाइंट को, कंधे को हिलाते हो या फिर कुछ मूवमेंट करते हो तो उसके वजह से बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है। पेशेंट जब कपड़े पहनता है या फिर क्लोथिंग करता है, कंघी करता है उसके खुद के बालों को, तब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अकड़न महसूस होती है, तो उस वक्त उसका दर्द जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो सकता है। इसके साथ सूजन उधर आ जाती है और कई लोगों में बहुत ज्यादा तेज दर्द रात के समय बहुत ज्यादा होता है और उनकी नींद जो है वो टूट जाती है। रात के समय नींद में वो अगर करवट बदलते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा तेज दर्द उनके कंधे में महसूस होता है और उनकी नींद जो है वो खराब हो सकती है। तो ये जो सारी परेशानियां हमने बताई तो वो फ्रोजन शोल्डर के रिलेटेड हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्रोजन शोल्डर है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पहली जो दवा है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है रोडोडेंड्रॉन। ये जो मेडिसिन है अगर आपको बरसात
के वक्त जो बिजलियां चमकती है उस वक्त बहुत ज्यादा तेज दर्द आपको बढ़ जाता है। थंडरस्टॉर्म के वक्त आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा तकलीफ आपको बढ़ जाती है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करके जो भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें हैं वो कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल हीट जब बढ़ जाती है, कुछ गर्म आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वो दर्द जो है वो कम हो जाता है। आपकी ज्वाइंट्स का अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, स्पेशली राइट साइड के शोल्डर में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से आपको मदद करती है। ये जो दर्द है एक ज्वाइंट से लेकर दूसरे ज्वाइंट में होता है। कंधे में फटने जैसा दर्द आपको महसूस होता है, कठोरता आपको महसूस होती है और अकड़न बहुत ज्यादा रहती है, तो उस वक्त ये रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए वो है सल्फर। तो ये जो सल्फर मेडिसिन है स्पेशली आपको लेफ्ट साइड के कंधे में बहुत ज्यादा आमवती दर्द है, रोमेटिक पेन है और काक में बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसका स्मेल जो है वो गार्लिक का रहता है, तो उस वक्त मेडिसिन आप अगर देते हो फ्रोजन शोल्डर में तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आते है। कठोरता बहुत ज्यादा होती है, उसका कंधा जो है वो अकड़ जाता है, सीधा चल नहीं पाता है, घुटनों में भी दर्द रहता है, तो ये सल्फर मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए वो है रस्टॉक्स। आपने रस्टॉक्स का नाम बहुत ही बार सुना होगा, जो भी जॉइंट्स की तकलीफें हैं उसमें रस्टॉक्स से मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें हैं, कंधे में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस वक्त ये मेडिसिन रस्टॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये मेडिसिन जो है जब आपको बहुत ज्यादा अकड़न महसूस होती है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरह से आपको मदद देती है। विशेष रूप से आराम के दौरान आपका दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप जब रेस्ट करते हो तो उस वक्त आपका दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंधों पर आपको लगातार दबाव महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कुछ हेवी आपके कंधों पर रख दिया है, तो उस हेवी वेट ऐसे रखा है, ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो आप रस्टॉक्स से मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर आपके कंधों में बहुत ज्यादा कठोरता आपको महसूस होती है, गोली लग गई है ऐसा दर्द आपको महसूस होता है, तो ऐसे अगर दर्द आपको महसूस होता है तो रस्टॉक्स से मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए वो है सैंगिनुरिया कैनेडेंसिस। ये जो मेडिसिन है ये दाहिने कंधे में आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो उस वक्त आप ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जब आप बिस्तर पर सोते हैं और बिस्तर पर आप मूवमेंट करते हैं, मुड़ने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, कष्टदायक पेन आपको महसूस होता है और कठिनाई बहुत ज्यादा होती है उठने के वक्त, तो ये मेडिसिन आप सैंगिनुरिया यूज कर सकते हैं। दाया कंधा बहुत ज्यादा आपका प्रभावित है दर्द के लिए और दर्द जो है रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हिलने डुलने में आपको कठिनाई होती है, तो सैंगिनुरिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है फेरम मेटालिकम। तो आपको अगर बाएं तरफ का जो कंधा है उसमें बहुत ज्यादा दर्द है तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरह से आपको मदद करती है जो भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें हैं ये कम करने में। जब आप कंधे की मूवमेंट करते हो तो ये जो दर्द है ये बहुत बढ़ जाता है और आप कुछ हीट अप्लाई करते हो गर्म चीजें यानी कि कुछ गर्माहट से वो दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, तो ये फेरम मेटालिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से उधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि कॉस्टिकम, ये मेडिसिन आप फ्रोजन शोल्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगातार भारीपन आपके शोल्डर में महसूस होता है और आमतौर पर आप जब मूवमेंट करते हो तो ये दर्द बढ़ जाता है, तो कॉस्टिकम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है ब्रायोनिया। तो ये ब्रायोनिया मेडिसिन आपको जब आप टच भी करते हो शोल्डर को तो भी आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, दबाव आपके शोल्डर पर आपको महसूस होता है, तो ऐसे कंप्लेंट्स के लिए ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए वो है लेडम्पाल। ये जो मेडिसिन है आपको अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द है शोल्डर में, शोल्डर पेन बहुत ज्यादा है और खासकर दोनों कंधों में आपको बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए वो है थूजा। ये जो थूजा मेडिसिन है जब आपके कंधों में बहुत ज्यादा कठोरता आपको महसूस होती है और फटता हुआ दर्द आपके जॉइंट्स में आपको महसूस होता है और
हाथ को सिर के ऊपर रखना आपको अत्यंत कठिन हो जाता है, तो उस वक्त ये जो थूजा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई, तो ये आप फ्रोजन शोल्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है, और ये सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।